फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड लाइफ स्टाइल एंड इट्स मी एना जॉर्ज। आज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। और आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं जितना भी थैंक यू करूँ वो उतना ही कम है, क्योंकि आप लोग की वजह से ही मेरा चैनल रन आउट हो रहा है, और जिसके लिए आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू यू पीपल। और जैसे कि ये सुबह का टाइम नहीं है, ये दोपहर का टाइम है, इट्स फुली आफ्टरनून, बिकॉज मैं बहुत लेट उठी हूँ और रात में मैं सो नहीं पाई बिकॉज माई हेड वॉज पेनिंग टू मच। बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई और जिस वजह से मैं लेट उठी हूँ। हस्बैंड भी काम पर चले गए हैं, उन्होंने भी नहीं मुझे उठाया, एंड दैट्स अ गुड थिंग। नहीं उठाना चाहिए सोती बीवी को। और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ, ये पीछे आप देखते होंगे बेड पर मेरा नाश्ता भी पड़ा हुआ है, ये मैंने कर लिया है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना कैमरा उठाया जाए और अपनी YouTube फैमिली से बातें की जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी कंट्री में वेदर बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ दुबई में तो वेदर ऐसे जैसे यू विल गो आउट एंड यू विल गेट मेल्टेड, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे तो एक बूंद भी बारिश की नहीं है, बट मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी सिटीज़ में देखा है कि वहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ तक कि UAE के काफ़ी एरियाज़ में बारिश हो रही है, पर पता नहीं ये दुबई को क्या हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैनी पीपल आर बिकमिंग सिक, क्योंकि डिहाइड्रेट उनकी बॉडी हो जाती है, पानी नहीं लोग कुछ पीते और कुछ बीमार पड़ रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो गाइस, बेटर यू पीपल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो उससे पहले ही आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें, बहुत पानी पिए, बहुत फ्रेश जूसेस पिए और अपना टेक केयर करें। मैं वेदर अपडेट भी दे देती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मैं आप लोग को वेदर अपडेट देना भूल गई थी। गाइस, यू कैन चेक दिस आउट, इट्स टू हॉट। एंड ये हमारे सूरज जी, जो कि बहुत ही आँखों में चुभ रहे हैं, और ये है यहाँ का वेदर, देख सकते हैं। हवा भी चल रही है, तो हवा इतनी गर्म चल रही है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत ही गंदा मौसम है गाइस, बहुत गंदा मौसम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हर कहीं बहुत ज़्यादा गंद है, बहुत ज़्यादा गंद है। यहाँ पे भी कपड़े पड़े हुए हैं, बेड भी नहीं ठीक, टॉवल भी वो पड़ा है, कबर्ड का भी मुँह खुला हुआ है, मेरा नाश्ता पड़ा है, किचन में भी गंद पड़ा हुआ है। तो गाइस, आज फिर से ट्रैश बैग मेरा वहाँ पे है, क्या करूँ मैं। मैं सोई हुई थी, हस्बैंड वीडियो लेके जाना भूल गए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं हम उसको और जल्द से जल्द मिलते हैं साफ़ सुथरे घर के साथ। यस गाइस, तो मैंने काम तो कर लिया है, पूरी सफाई भी कर ली, सारे एक्स्ट्रा कपड़े वपड़े सब कुछ हटा लिए, पर काम करते करते एक ट्रेजेडी हो गई, बिकॉज आजकल एसी फुल ऑन चलता है बिकॉज इट्स टू हॉट, और यहाँ पे एसी के बगैर आपको पता है गुजारा है ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव सीलिंग फैन ऑल्सो। तो अभी सीन ये हुआ कि हमारा जो एसी है वो आई थिंक पानी निकाल रहा है बहुत सारा, जो कि ऊपर सीलिंग में से भी निकल रहा है, और वो सारा फ्लोर पर पीछे पूरा ऐसे ना यहाँ पर पूरा पानी पानी जमा हो रहा है। तो मैंने हस्बैंड को तो कॉल किया है, तो पता नहीं कब आते हैं वो, जिन्होंने भी सही करना है। चाहे और एसी भी मैंने बंद किया, एंड इट्स टू हॉट के गाइस, यहाँ पे ना बिल्कुल भी एसी के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि जब मैं एसी ऑन कर रही हूँ तो वो पानी छोड़ रहा है, जब मैं बंद करती हूँ तो वो पानी रुक जाता है। तो अब पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। जब काम करते करते बीच में कुछ इस तरह से हो जाए ना, इट्स फील वेरी बैड, काम रुक जाता है, घर का नुकसान हो जाता है। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। गाइस, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इट्स टू हॉट, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और अभी भी गर्म मौसम है, लेकिन अचानक से ना ऐसे जैसे सैंड स्टॉर्म नहीं होता, जैसे मट्टी का तूफान, ऐसे लग रहा है जैसे वो आया हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं वो कैमरे में कैप्चर किया जाए ना किया जाए, बट स्टिल आई लव टू शेयर विद यू। ये देखिए फ्रेंड्स, अचानक से वेदर कैसे चेंज हो गया सारा, और शायद आपको नज़र आता होगा कि मट्टी भी कैसे आ गई है, कैमरे में एक्चुअली कैप्चर नहीं किया जा रहा जो मट्टी है, बट बहुत गंद, हवा भी बहुत चल रही है। देखिए, ये देखिए मट्टी कैसे उतर रही है,
बहुत वेदर चेंज हो गया, बहुत वेदर चेंज हो गया लाइफ अचानक से। थैंक्स टू गॉड वेदर जो चेंज हुआ, इस वजह से बहुत डार्क भी हो गया घर के अंदर। और अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया वो एसी ठीक करने वाले अभी तक नहीं आए, और अभी मुझे मजबूरन एसी भी चलाना पड़ा बिकॉज इट्स गेटिंग टू हॉट। और मुझे भूख भी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या खाऊंगी। या तो मैं कुछ ऑर्डर करूंगी या तो देखूंगी अगर कुछ मंगवा सकती हूँ। और आई होप आपको आज का वीडियो मेरा छोटा सा बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज करवाएं और सपोर्ट करते रहें एक दूसरे को। बस यही मैं कहूँगी, और अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर, सपोर्ट।